Surya Patro ko ame dekhichu je prathama takra charya je jane khabar kagaj ru arambha karithile je Brahmapur ra jo mane samaj ra je thile mane ja ku kanti entire Ganjam jilla pai se samaj khabar kagaj ra se mane bitaran prakriya ko naithile ebong seutu tanka pakha tanka papa ase karya karuthile se kahani se pai se sab sambandhik manaka agare share karanti je jehetu tankar papa jane mane pratishtha khabar kagaj ra मुख्य वितर्क थे गंजाम जिले में से छोट पिला बसुले और सांबादिकता प्रति आग्रह आसा संवाद प्रथम प्रति आग्रह आसा से संवाद पाठ करूँ समाज सेवा प्रति गोटे भावना सृष्टि होता है और से समाज सेवा परवर्त अवस्था राजनीति को ले आसा तो से राजनीति को जिते आसे कौन से समय विफलता पाए ना सोपान पर सोपान चढ़ चली गोटे कथा हूँ जेहेतु से गोटे मानने संवाद पत्र सांबादिक मानने गोटे बैकग्राउंड रु आसते हि हाड ए वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरी सब्जेक्ट प्रत्येक सब्जेक्ट अगाध ज्ञान था अगाध ज्ञान को अगाध ज्ञान राजनीति में बे सहायक होता तेणुक से जितेबले जो पदवी दि जाता जो मानने जितेबले से एमएलए हेले एमएलए हिसाब से प्रदर्शन बे उच्चकोटीर रही है विधानसभा भितर जिते मंत्री हेले मंत्री हिसाब से आप जो विभाग जिते मिली आपणकर एनर्जी हो कि अन्न विभाग हूँ जिते जो विभाग सुचारू रूपे पालन कर बाचस्पति हिसाब से देखी बाचस्पति हिसाब से जो प्रचुर अभिज्ञता रही है एमएलए हिसाब से प्रचुर अभिज्ञता प्रायत सात आठ टी डिपार्टमेंट जीवन में मिली आ मुख्य मुख्य डिपार्टमेंट मिली रेवेन्यू इत्यादि से सब डिपार्टमेंट को ये सुंदर भाव में संभाली मानने वर्तमान जो आलोचना हो सचिव मान अधन हो जा मंत्री मैंने सूर्य पात्र वाज नॉट ए पर्सन लाइक दैट जेहतु मानने गुड कमांड ओवर हिज डिपार्टमेंट तो मंत्री मैंने जो सेक्रेटरी मैंने सचिव मैंने अच्छा पाख को जिते आसु था संपूर्ण प्रस्तुत होकर आसु था एवं विधानसभा आम भर जो बाचस्पति हिसाब से कार्य कर अति निखुण भाव में अति जहाँ को कहते भल भाव से कार्य को संपादित कर सबुठ बड़ कथा सूर्य पात्र मानने जिते बाचस्पति हिसाब से कार्य कर बहु समय निरपेक्षता को गुरुत्व दे मान जमी मानने साधारण चापग्रस्त था किसी बीजे आपणकर बाचस्पति जे मानने सरकारी दल को सुहला भाई कार्य करमती नुंति विरोधी दल मानक जथेष पर्याप्त परिमाण से सुजोग दिखती निजर मानने समस्या को उपस्थापित करने कि गोटे गोटे बदय प्रसंग होते विरोधी सरकार को मानने संध्वाजी आक्रमण कले से विरोध करती ना कि समय काटती ना मोटामोटी भाव में आम कही से सूर्य पात्र हि वाज ए पॉलिटिशियन एक्सेप्टेबल टू ऑल मानने पार्टी समस्त ग्रहणीय है जन व्यक्तित्व थिले मान जन व्यक्ति हिसाब से बहुत सुंदर मार्जित समस्त सहित मिशिबा ना थिला गर्व ना थिला अहंकार ना थिला प्रतिपक्ष दल प्रति किसी गोटे असुविधा भाव से गोटे स्वयं संपूर्ण व्यक्तित्व थिले सर्वात्रुष मनीष थिले एवं सर्व ज्ञान संपन्न व्यक्ति थिले मृत्यु निश्चित गंजाम राजनीति बड़ क्षति मृत्यु निश्चित भाव ओडिशा राजनीति क्षति मृत्यु माने जो युवपीढ़ी सबुठ बड़ कथा हूँ छोट बड़ कहा सहित कला युवपीढ़ी जी जिते बड़े देखते यू वाज एक्सेप्टेबल टू एव्री वन जी जिते बड़े देखते विरोधी दल जातु शासक दल जातु से जन संवाद पत्र मानने मानने छोट सांबादिकाइट बड़ सांबादिकाइट राजनैतिक करियर विषय कहते बेस विचक्षण बुद्धि एवं बहुत भल स्वभाव थे आप व्यक्तिगत भाव में जब सहित साक्षात करेंगे निश्चित भाव में केमती आपण को से लागंती मैं स्वभाव आपण प्रति केमती थाए व्यक्तिगत जीवन से केमती थे आपंती देखु थे देखो सी मैंने हिज वाज लाइक ए फादर फिगर टू मी मैंने आम आपणकर चैनल जे प्रतिष्ठाता मैंने संजय बाबू भल भाव में जानते सी भी भल भाव में मिशिंट आम जिते जाऊ सार आमर सेमिनार होट्सअप हो टपिकटा पचारे कह बाबू टपिकटा विषय में किसी लिखी दे दि तापर मु आउ टिके प्रिपेयर है कि सब्जेक्ट से एनर्जी सेक्टर उपर हो से एनवायरमेंट उपर हो से सब बेले प्रस्तुत होकर आसते आ गोटे बड़ कथा बाचस्पति थिला बेले भी आमे विभिन्न वर्कशॉप डाकिछु
बेसिकली ग्रीन प्लानेट उपरे ग्रीन एनर्जी इत्यादि उपरे आमे जतबे डिस्कशन करू जदि अन्य के पैनलिस्ट आसीतांदी से जने एकेडमिक बैकग्राउंड रो आसीतिबे भल कहउचंदी सुजनान पात्र तांके सीधा सळक तांके नंबर टी मागंती बाबू तमो नंबर टी दियो तमे मो चैंबर को आसो मु तम कतर आहुरी किछि सिखिबे एटा गला वर्ष कथा कहउछु मोर आपनकर जयदेव भवन रे सिटी आमे माने ଗୋଟେ ସେମିନାର ୱାର୍କସପ୍ ଥାଏ ସେଠି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଧଳ ବୋଲି ଜଣେ ସୋସିଆଲ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆସିଥାନ୍ତି ଜୈନସ୍ କଲା ସେ ଆମ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ମିଡିଆରେ ଆସନ୍ତି ତ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ମାନେ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି ହି ଷ୍ଟିଲ୍ ସି ଦିସ୍ ଶୋ ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କର ସିଏ କଣ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନଜର ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଡାକି ଆଣନ୍ତି ନିଜ ଚାମ୍ବରକୁ ତାଙ୍କର ନମ୍ବରଟି ସେଇ ଗୋଟେ ଟିପା ଖାତାରେ ଟିପିକି ରଖନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ କତୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତା ସହିତ ସେ ଗୋଟେ କଥା ଶିଖେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜନୀତିର ସବୁଠୁ ମାନେ ବଡ଼ ହାଇଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ତାଙ୍କୁ କେବେ ଛୁଇଁ ନଥିଲା କୌଣସି ସମୟରେ ନିଜର ପ୍ରତିପତ୍ତି କି ନିଜର ମାନେ ଯୋଉ ପଦବୀ ତାକୁ ନେଇ ସେ ତାଙ୍କର କେବେ ଅହଙ୍କାର ନଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଥିଲେ ଆକ୍ସେସିବୁଲ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ନିଜର ତଳି ପାଉଥିଲେ ରାଜନୈତିକ ତାଙ୍କର କେହି ଶତ୍ରୁ ଜଣେ ହିଁ ନଥିଲେ